हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं Dsssb हिंदी का पेपर। यह पेपर 28 अगस्त 2018 को हुआ था। यह TGT हिंदी का पेपर है। आपको बता दूं, यह पेपर कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। आज हम इस पेपर में सब्जेक्ट से संबंधित भाग पे बात करेंगे। यह पेपर 200 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की GK, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश है, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है। और जो इसका सेकंड पार्ट है 100 नंबर का, वह सब्जेक्ट से संबंधित है। तो आज हम उसी सब्जेक्ट से संबंधित विषय पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। इसका सही आंसर है सौर सैनी अपभ्रंश। इसके जो आंसर है उसमें पहले ही हरे का निशान लगा हुआ है, क्योंकि ये कंप्यूटर के माध्यम से हुआ था। दूसरा सवाल है, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। इसका सही आंसर है चौथा, ई या शा चा। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। इसका सही आंसर है अभिधा। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्रिया बताना आवश्यक नहीं, वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अव्यय पद है। इसका जो सही आंसर है वह है इधर उधर। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, टुक टू, यानी टुकड़ा और फटा हुआ। इसका जो शब्द युग्म है ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। इसका सही आंसर है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तुम जाओ और खाना खाओ, यह किस तरह का वाक्य है। तो यह है आज्ञावाचक वाक्य। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है न कारण होगा और न ही कार्य होगा। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो यह नहीं है ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण है गंभीर। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय। विवाद शब्द का विलोम होता है निर्विवाद। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है, इसमें है दौड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो अनेकार्थी नहीं है आयु। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो कुरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देवनागरी लिपि के विकास में ज ग क आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं संस्कृत से। कौन सा शब्द अशुद्ध है। यह है माधुर्यता। सजल नीरद सी कला कांति थी पंक्ति में रेखांकित अंश में अलंकार है उपमा अलंकार। चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप है, यह है तिरस्कार बोधक। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है। तो यह होता है मातृभूमि। सरदार पूरण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह है बद्रीनाथ भट्ट का। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। इसमें है 22 भाषाओं का उल्लेख। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं भरत मुनि। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश। धर्मवीर भारती कृत अंधायुग किस श्रेणी का नाटक है। यह है गीति नाट्य, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। मित्रों मर जानी उपन्यास की लेखिका है। इसका सही आंसर है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का हाल ही के दिनों में निधन हो चुका है और उन्हें इस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है।
उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है कार्यालयी भाषा का। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं, तो परख और त्यागपत्र जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही आंसर है परिंदे। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? तो संबंध बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है उपन्यास से। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 344। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। चितवन की छां के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। कबीरदास की भाषा को कहा जाता है साधु काकड़ी। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं अज्ञेय, जो कि इनका यात्रा वृत्तांत है। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका हैं शिवानी। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित हैं कबीरदास। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भक्ति काल को। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक हैं। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग निबंध लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त ने। अर्थ अर्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं अध्यापक पूरण सिंह। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है हमारे आराध्य। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है तुलसी दास से, जो कि उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको कहा था। पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन निरप कांच, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो यह है चंद्रवरदाई से। निराला के जीवन पर तीन खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। जो प्रगतिवादी चिंतकों को में नहीं है वह है भोला शंकर व्यास। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है श्रृंगार चित्रण। निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावाद के चार स्तंभों में नहीं है? तो वह नहीं है मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के जो स्तंभ हैं चार, उनमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत नंबर तीन पे, और चौथे महादेवी वर्मा। ये चार स्तंभ छायावाद के कहे जाते हैं, तो इसमें मैथिली शरण गुप्त नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। दुख सबको मांझता है यह प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है अज्ञेय ने। इंद्र जिमी जम्ब पर बड़ाओ सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है भूषण की, जो कि रीति काल में लिखते थे और वीर रस से संबंधित उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ था 1936 से। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो यह कहा है अज्ञेय ने। अज्ञेय ने ही सबसे पहले तार सप्तक को आरंभ किया था, जिसमें सात कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी, और सबसे पहला तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, यह मिली है कार्ल मार्क्स से। दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, जो कि प्रिय प्रवास रचना से संबंधित हैं। जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो यह है पद्माकर की। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति।
साये में धूप, कृति है गजल संग्रह। महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना है अंधा युग। संसद से सड़क तक किसकी रचना है, तो यह है धूमिल की। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रयोगवाद इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किसका है, अज्ञेय का। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं, तो यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी प्रसिद्ध रचना है उद्धव शतक। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था, तो यात्री नाम से लिखते थे नागार्जुन। गा कोकिल वर्षा पावक कर्ण पंक्ति किस रचनाकार की है, तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की। मुझे चांद चाहिए विदा है उपन्यास से। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ संस्कृत से। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है देवनागरी। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से पांचवी ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। नीचे गद्यांश है, गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ के इनके उत्तर देने हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न में जो ऑप्शन है उनसे संबंधित उत्तरों को देने की कोशिश करें। तो इसमें पहला सवाल है, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे का आशय है अपनी संस्कृति को न छोड़े। शीतल पेय आदि को बताया है अखाद्य। उपभोक्ता संस्कृति क्या नहीं कर रही, नैतिकता को बढ़ा रही है। यह उपभोक्ता संस्कृति नहीं कर रही है। जीवन में अशांति पैदा करने का कारण है जीवन स्तर का अंतर। इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, इसका आंसर है उपभोक्ता संस्कृति की। सही उत्तर का चयन करें। पाठन से पूर्व इनमें से किस विषय में क्रियाशीलता आवश्यक है, क्योंकि यह भविष्यवाणियों और शब्दावली के साथ छात्र का स्थान ले लेती है। यह संबंध है विज्ञान से। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसका सही आंसर है फॉर्मल एजुकेशन। सीखने की क्रिया में दो चरण सम्मिलित होते हैं, एक प्रारंभिक चरण और दूसरा चरण निम्नलिखित में से क्या है, तो दूसरा है सीखने का वास्तविक चरण। नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्रिया का चयन करें। एक समावेशी कक्षा के आदर्श व्यवस्थापन सेटअप में विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्र हैं, इसका सही आंसर है कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं। इन पीसी के पेडागोजी कंटेंट एंड नॉलेज रिफर टू, इसका सही आंसर है नोइंग द स्टूडेंट। बुद्धिमत्ता को डैश के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह किया जा सकता है ज्ञान और अनुभव से। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन द कंप्लीट द सेंटेंस डैश इज व्हाट फीलिंग साउंड लाइक, इसका सही आंसर है म्यूजिक। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एन इंटीग्रेशन ऑफ हु व्हाट एंड हाउ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द हु इज इन द प्रोसेस, सही आंसर है इसका कॉग्निटिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है, तो यह करता है वे उपविषय जो पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। रेवंत परिवार का मुखिया है और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रणाली का पालन करता, इसका सही आंसर है पितृसत्तात्मक या पितृ सत्ता। तो दोस्तों डीएसएसबी टीजीटी हिंदी मेल कंप्यूटर वेस्ट या पेपर यहीं समाप्त होता है। आज हमने इसके सेकंड पार्ट पे चर्चा की थी, इसके फर्स्ट पार्ट पे हम जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।